हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर क्वाइट वेल। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो एप्लीकेशन हमको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग शीट, शीट नहीं प्लेट। अगर आपसे कंडक्टिंग शीट कहा जाता है, शीट का मतलब बहुत ज्यादा थिन पतली सी, तो उसके लिए तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए था। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो जो रिजल्ट उसके लिए आया था वही सेम रिजल्ट आपको कंडक्टिंग शीट के लिए भी मिलने वाला है। अगर आपको कहा हुआ है कि थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कंडक्टिंग प्लेट आप कहेंगे दो लेयर से मिलकर के बनी हुई है, एक ये और दूसरी ये, इनफाइनाइट लॉ ऐसी। तो हमने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल किया था कि जब हम इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू जीरो आती है। हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आती है बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहां पे बिटवीन टू प्लेट्स का वही हमें कंसेप्ट लगाना है कि दो प्लेट है, एक प्लेट तो ये है और दूसरी प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी है, दोनों शीटें एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, तो ये कंडक्टिंग प्लेट बन गई। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मोटाई है और जिसकी मोटाई को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता, जिसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है और उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते आप, वो यहां पे हमें अप्लाई करना है। तो देखें आप, मैंने यहां पर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक क्लोज सर्फेस कंसिडर किया हुआ है, जिसको कहते हैं आप गॉसियन सर्फेस। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये मेरे पास है, ये वाली। अब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो मैंने इधर लिया है वो इधर भी हो सकती थी। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एक सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है वो तो पी पॉइंट पर है, और दूसरा सर्कुलर सरफेस इन बिटवीन टू प्लेट्स या इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है यहां पर, और जानते हो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो यहां पे ये जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। और थर्ड मैंने लिया है यहां पे ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस डायरेक्शन में ऑलरेडी पता थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मैंने यहां पर ये एस वन, ये एस टू और ये एस थ्री। S1 के लिए E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री, S2 के लिए E in 0 और S3 के लिए थीटा 90, क्योंकि E की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस और DS की डायरेक्शन तो थीटा 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर अब इस प्लेट के कारण से निकालना है, तो कैसे निकालूंगा वो जरा देखना है। तो पहले तो डायरेक्शन लिख देता हूं एक लाइन में, ये तो डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस और कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमेशा। तो यहां पर अगर ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल, ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल, ये ऊपर सरफेस है तो इसकी नॉर्मल, इस नॉर्मल, जो भी आपने सरफेस लिया है उसकी नॉर्मल होती है, और वो पीछे हमने डिटरमाइन कर चुके, वो डायरेक्शन मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो पहले तो जो हमने सपोज किया है वो थ्योरेटिकल बातें आप यहां पे लिख दो,
और उसके बाद वही तीन स्टेप हमारे पास सॉल्व करने की। तो तीन स्टेप में मैंने आपको कहा था बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहला स्टेप, दूसरा बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे दो इक्वेशन बनेंगी, और तीसरे में दोनों को इक्वेट कर देंगे, तीन स्टेप हो जाते हैं, सीधा आंसर आपको मिल जाता है। ओके तो तो देखिए जरा मैंने लिखा है लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो जो हमने यहां पे सरफेस या प्लेट कंसीडर किया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है सिग्मा। ओके तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा due to which we have to calculate electric field intensity at point P at a distance r। तो यहां से जो डिस्टेंस है इसकी वो r है और ये पॉइंट P दिया है, इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके अब एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट टू डू सो यानी हमें कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सर्फेस। हमें मालूम है कि गॉस लॉ तो क्लोज सर्फेस के लिए अप्लाई होता है और जो क्लोज सरफेस हम कंसीडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैंने यहां पे गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। तो मैंने लिखा यहां पे गॉसियन सरफेस ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एस। तो जो गॉसियन सरफेस मैंने माना है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है एस, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एस मान लिया। ऑफ विच वन सर्कुलर फेस उस सिलिंड्रिकल सर्फेस का जो एक फेस है सर्कुलर वाला लाइज एट पॉइंट पी। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी वहां पर लाई करता है गिरा यहां पर है और दूसरा इनसाइड द प्लेट प्लेट के अंदर है एंड अनदर सर्कुलर फेस हैज टू लाइज इनसाइड द प्लेट वेयर ई इन इज इक्वल टू जीरो। मालूम है आपको प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो यहां पर ये जीरो क्यों है समझ आ रही होगी, लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने बताया था अगर दो ये प्लेट है इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसी दो शीट रखी हुई है ये दो शीटें और यहां पे प्लस का ये सिग्मा और यहां भी प्लस का सिग्मा। तो यहां पे ई इन अगर निकालोगे बीच में तो वो जीरो आता है, ई इन बीच में जीरो आता है। तो ये ऐसे बिहेव करेगी ये जो प्लेट है ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि दो शीट एक दूसरे के पैरेलल रखी हो
और हमने जो कंसीडर किया है ये वाला, ये ऐसे होगा, ये यहां पर P पॉइंट और यहां पे ये इसके अंदर, तो यहां पर तो ये पॉइंट है P और यहां पर ये इन, तो E इन तो जीरो होती है और डायरेक्शन E की और DS की मालूम ही है, और नॉर्मल टू द सरफेस ये थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। ओके, तो यहां पे ये भी बना सकते हो आप, ये और ये एक ही डायग्राम है, ऐसे बना सकते हो आप। और ये डायग्राम इसमें हमने पीछे पड़ा हुआ है, वहां से आप देखें एप्लीकेशन नंबर सेकंड में। ओके, अब देखें प्लेट वेयर ई इन इज इक्वल टू जीरो, देन चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, यानी जो हमने ये कंसीडर किया है इसमें कितना चार्ज एनक्लोज होगा ये बताना है। पूरे में तो पता नहीं कितना है, वो तो इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो जब हमें मालूम है यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो इसका एरिया है एस, तो एस एरिया पर कितना हो गया सिग्मा एस, तो यहां पर मैंने लिखा समेशन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। ओके, तो ये समेशन क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमारे स्टेप थे तीन, पहला स्टेप बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही लगाऊंगा, तो आप देखेंगे यहां पर नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाइ इज इक्वल टू क्लो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, अब इसको जो क्लो सरफेस है ये इसकी थ्री फेसेस है, एस वन एस टू और एस थ्री, कर्व वाली एस थ्री, क्लियर। तो इसको थ्री पार्ट में ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्लो इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन, ओके, एस वन ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एस टू के लिए और प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री के लिए ई डॉट डी एस, क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो और वैल्यू देखो कितना आता है, तो फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस वन ई डी एस कॉस जीरो, दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री का है, इसलिए ई डी एस कॉस जीरो, और यहां पर प्लस एस टू पर जो ई है, यहां पर जो ई है ई इन वो जीरो है, ये ई इन हुआ एस टू वाला, तो ई इन जीरो है तो ये टर्म तो जीरो ही हो गया, ई इन की जगह जीरो लिखूंगा तो ये टर्म तो जीरो हो गया। ओके, और प्लस यहां पर देखें एस थ्री, तो ई डी एस और कॉस 90, ये कॉस 90, यानी कहता हूं कि ये जीरो क्यों लिखा है, सिंस फॉर एस टू ई इन इज इक्वल टू जीरो, ई इन की वैल्यू जीरो है इसलिए ऐसा हुआ, क्लियर हो गया। अब यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, तो ये टर्म तो जीरो होने वाला है, ये जीरो हो गया, एक टर्म बचा मेरे पास कॉस 01, ई कॉन्स्टेंट है, ई को बाहर ले आऊंगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस, तो आंसर आया क्या आया मेरे पास यहां पे, आप लिखेंगे फाई इक्वल टू ई बाहर और इंटीग्रेशन डीएस और प्लस जीरो प्लस जीरो, क्लियर। तो फाइ इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, ई इंटू, अब इंटीग्रेशन डीएस कितना है एस, टोटल एरिया तो एस माना मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ई इंटू एस। ओके, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, ये सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड आ गया। अब मेरे को अप्लाई करना है सेकेंड स्टेप बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट स्टेप था, अब बाय गॉस लॉ, और थर्ड स्टेप में दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट इसको और गॉस लॉ से जो इक्वेशन आएगी उसको, क्लियर। तो चलते हैं जरा देखें सेकेंड स्टेप, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करना है, क्या आएगा, फाइ इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम, ध्यान रखना है ये एयर ऑब्लिक वैक्यूम, क्लियर। समेशन क्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में निकाली हुई है, पुट कर दें, क्या आएगा, फाइ इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर थर्ड, सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में दोनों को इक्वेट करना है, आंसर मिलने वाला है, ये सेकेंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था और ये सेकेंड स्टेप था, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आप देंगे फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड ऑन इक्वेटिंग क्या आएगा, E इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस की विदाई तो E कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके दिस इज द आंसर, यही आंसर आएगा। तो यहां पे हमें पता चल गया कि ये E की वैल्यू कितनी होती है, ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इनफाइनाइट लॉन्ग है तो उसके लिए E की वैल्यू ये होती है। ओके तो यहां से क्या पता चला, तो एक बात तो ये आ रही है आप आपके पास, यहां से कहेंगे E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा के प्रोपोर्शनल होती है, इसमें कहीं R तो दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब R पे डिपेंड नहीं करती है, तो आप बोलेंगे E प्रोपोर्शनल टू R की पावर जीरो, जीरो का मतलब किसी भी टर्म की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू वन यानी डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब ये हुआ कि E की वैल्यू R पे डिपेंड नहीं करती है। ओके तो यहां पे E प्रोपोर्शनल टू R की पावर जीरो, R नॉट बोलते हैं इसको, R नॉट। ओके तो यहां पे ये आ गया आपके पास, अगर मैं कहता इन वेक्टर नोटेशन तो क्या लिखना होता आपको, तो आप कहते इन वेक्टर फॉर्म, तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां पे लगा देता एन कैप। व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। ओके तो यहां पे एन कैप को क्या बताएंगे, वेयर एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस की नॉर्मल, क्लियर, ये यहां पर हो गया हमारे पास वेक्टर नोटेशन में। और मीडियम की भी बात कर रहे होते तो मैं यहां पर लिखता फॉर मीडियम, तो आता मेरे पास ई एम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को मीडियम की परमिटिविटी। ओके तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो और ई एम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एज यू नो जैसे आप आपको बताए कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां पे लगा सकते हो ये आंसर आपको मिल गया। ओके अब यहां पे हमने कहा था ये तो प्रोपोर्शनल है और ये यहां पे डिपेंड नहीं करता है, अगर ग्राफ की बात आए तो यहां पे ग्राफ क्या बनाएंगे आप, ये तो सिग्मा और यहां पे ये ई, तो ग्राफ की नेचर होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर, और यहां पे आर के साथ बनाना पड़े तो ये तो आर और ये ई, तो ग्राफ ये आएगा, इसका मतलब कि ये आर ई की जो वैल्यू है वो आर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी ये सेम रहेगी नियर अबाउट पॉइंट्स, अगर इसके आसपास के किसी पॉइंट्स पर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो कैसी रहने वाली है, सेम रहेगी। ओके तो यहां पे ये आर के साथ इसका ग्राफ होगा, तो ये तो हो गया हमारे पास इसका रिजल्ट कैसे करना है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात,
तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर इस प्लेट के कहीं आसपास है तो आर पर डिपेंड नहीं करता है। ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो वैल्यू रहती है, वो आर पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्स कॉन्स्टेंट होता है इनफाइनाइट शीट के लिए। ओके, तो यहां पर मीन्स नियर द प्लेट वेक्टर ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन्स सेम। ओके, सेकेंड पॉइंट, इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट दी गई हो जो बहुत थिन हो, पतली हो, तो इन दैट केस बिहेव एज अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। वो नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करेगी और उसके लिए जो ई लगाएंगे आप वो होगा आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? अगर मान लो थिन है, बहुत पतली है, तो उसकी तो सरफेस भाई जो चार्ज हम देते हैं वो सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पर जो चार्ज था वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहां पर ऊपर सरफेस पे जिधर उधर चार तरफ, तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन था, तभी तो हमने दो शीट मानी थी, एक शीट ये और दूसरी शीट ये, एक तो ये और दूसरी ये। क्लियर हो गया? तो जब एक ही शीट होगी तो फिर वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको अप्लाई करना है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, आप सोचते हो ये फॉर्मूला लगाएं कि ये फॉर्मूला लगाएं, तो आपको याद रखना है कि अगर वो पतली शीट दी हुई है तो फिर तो यही फॉर्मूला लगाना है नॉन कंडक्टिंग का, भले ही वो कंडक्टिंग दिया हुआ है। क्लियर हो गया? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने कई बार देखा है मंदिर पर, मस्जिद पर, मंदिर के ऊपर होता है त्रिशूल ऐसे, वो एक नुकीला सा जिसमें शार्प ऊपर की तरफ किनारे से लगे होते हैं उसको लगा देते हैं। वाई इट इज सो? क्यों ऐसा किया भाई, मंदिर के ऊपर त्रिशूल क्यों लगा दिया गया, क्या रीजन है उसका? तो उस कंसेप्ट को भी यहां पे समझेंगे जरा। हमने अभी कहा था कि E की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी कंडक्टर के लिए, ऐसे कंडक्टर के लिए वैल्यू आती है, तो इसका मतलब E की वैल्यू सिग्मा पे, सिग्मा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मान लो ये बना दिया मैंने यहां पर त्रिशूल है ना, तो यहां पे आप देखें ये जो किनारा है यहां पे, ये वाला ये जो किनारा है ये ऊपर से नुकीला बनाया जाता है, यहां पे तो मोटा होगा, ऊपर से यहां पे नुकीला होगा, ऐसे बना दिया ऊपर की तरफ नुकीला लगा करके। तो ये नुकीला क्यों बनाया, शार्प क्यों बनाया, रीजन क्या था? इसको शार्प बनाने से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, कम हो गया। मान लो सपोज करो ये ऐसे बनाया होता, मोटा बनाया होता, इसकी रेडियस ज्यादा होती तो इसका जो एरिया निकालेंगे A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आता है। तो अगर मान लो मैंने इसको पतला बनाया, बहुत ही कम बनाया, नुकीला बनाया, तो इसका जो नुकीला होगा तो A की वैल्यू, जब R की वैल्यू कम होगी तो A की वैल्यू भी कम आएगी, और R ज्यादा होगा तो A की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब नुकीला बनाने से यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया तो वहां पर सिग्मा जब आप निकालते हो सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा होता है हमारे पास क्यू अपॉन ए, ये होता है। जब ए कम लोगे तो सिग्मा बहुत ज्यादा आएगा, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इन दैट कंडीशन जब आपने कहा आर की वैल्यू कम है, ए कम हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ में स्क्वायर और होता है, 4πr² स्क्वायर देख रहे हैं आप, स्क्वायर और है, तो आर जितना कम होगा सिग्मा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। अब सिग्मा की वैल्यू जब ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो भी इंक्रीज, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा यहां पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा होगी तो उसके पास की जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाती है, आयनाइज्ड मींस उसमें आयन बन जाते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उसमें फॉर्म हो जाते हैं, एयर में फॉर्मेशन हो गया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का। अब मान लो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां पर जो सिग्मा है, वो अपने जैसे चार्ज को, यानी लाइक चार्ज को रिपेल करता है और अनलाइक को अट्रैक्ट करता है, तो अनलाइक वाला तो उसके पास आएगा और जो लाइक वाला था वो रिपेल होकर के दूर जाएगा, और जब दूर जाएगा तो वो जो एयर है उसको और ज्यादा आयनाइज करेगा, और जब आयनाइज करेगा तो वहां पे जो उसके आसपास की जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी
ये डिमिनिश्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी अनलाइक मिल करके उसको खत्म कर देते हैं और एयर वहां पे कंडक्टिंग होकर के पूरा पूरा वो ग्राउंड हो जाता है, वो चार्ज पूरा ग्राउंड हो गया। तो जब कभी जैसे बाद में उसे बिजली गिरती है, सुना है कभी बिजली गिर गई, तो बिजली गिरने का कंसेप्ट यही होता है कि जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने से वहां की एयर आयनाइज होकर के कंडक्टिंग होकर के उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है, डिमिनिश कर देती है, खत्म कर देती है। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ये हमें यहां पे नुकीले पार्ट क्यों बनाए जाते हैं, ये इसी का कंसेप्ट है। ओके, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन। तब तक के लिए थैंक यू।